खराब निकला है क्या? मैं देख रही हूँ बहुत देर से कस्टमर केयर मुझे हमेशा यही डर रहता है। आज मैंने अपनी लगाई है अलमारी, पूरी बिखरी हुई पड़ी थी, और अयान अपना ये डॉक्टर वाला भी यहीं रख गए हैं, उसको जगह मिल गई है, और मैं भी शीशे में दिख गई हूँ। अभी चेंज मैंने नहीं किया है क्योंकि जल्दी जल्दी ये पूरा समेटने में लगी हुई थी। मिलते हैं अभी। आज मेरी अलमारी एकदम सेट लग रही है, बहुत अच्छे से सारा सामान सेट है, और ये 2-3-4 दिन तक ऐसे ही सेट रहेगी, उसके बाद फिर पूरी बिगड़ जाती है, ज्यों की त्यों हो जाती है। तो अभी मैंने थोड़ा सा अपना हुलिया सुधारा है, तब कैमरे में आई हूँ, क्योंकि काम करने में थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। और घर में चाय की पत्ती नहीं है, ओट्स नहीं है, सब्जी नहीं है, और हमारे पति देव नहीं है, मतलब फिर से अभी नहीं आए हैं। और जब पता चल जाता है कि ये फोन कर रही है कि कितनी देर में आओगे, तो इनको पता चल जाता है ये किसी ना किसी काम के लिए बोलने वाली है। तब अगर इनको जल्दी भी आना होगा तो बोल देंगे अभी मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही थी मैं खुद ही जाके सामान ले आती हूँ, तो बस मैं निकलने ही वाली थी तो नंदनी कर रही है संध्या, तो मैंने कहा संध्या हो जाए तभी निकलूँ क्योंकि गेट वेट लगाने होंगे। तो नंदनी ने जैसे ही संध्या कर ली तो ये रोने लगा खुद भी जाने के लिए, क्योंकि ये एक दो दिन से बाहर नहीं जा पाया है, तो इसको भी ऊब लगी है बाहर जाने की, रोने में लगा है। तो मैंने कहा चलो भाई तुम भी चलो, इसलिए नहीं लेके आते क्योंकि ये उधर उधर भागने लगता है जैसे सामान वामान लेने लगो, मैं चलने दो। तो मैंने ले ली है चाय की पत्ती, क्योंकि इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, एक भी दिन नहीं चल पाता है मेरा काम। तो उसके बाद ले ली है ओट्स, और यहाँ आके ले ली है सब्जी, 2 किलो आलू और बाकी की सब्जी वगैरह। और ये भी आगे सीख रहे हैं क्योंकि आगे इनको ही तो सब्जी लेने आना होगा ना, तो सबको सीखने की भी ज़रूरत है। ये आके खेलने लगता है सबके साथ में। तो चलिए सारा सामान हो गया, घर चलते हैं। और मैं यहाँ आके थोड़ी देर नीचे बैठ गई हूँ कि ये थोड़ी देर खेल लें इसी बहाने। तो इसका जब नंबर आया तो उनकी बॉटल वॉटल लेके ही भाग गया है, तो इनका कुछ गेम चल रहा था कोड़ा दीवान से ही, पीछे देखो मार खाई जैसा ही। मैडम का भी फोन आया था कि वैसे वो रोज सुबह 9:30 बजे आती है, लेकिन कल से आएगी वो 12 बजे, मतलब हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, क्योंकि उनकी कोई बिजनेस क्लास स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपको पढ़ाती है। तो अभी उन्हीं से बात हो रही थी, और बस बात करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में इतनी सारी सब्जी लाई हूँ, लेकिन इसमें से मुझे कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है। और ये चम्मच रखने का स्टैंड मैंने धो के आज पूरा सुखाया है, क्योंकि नंदनी बोल रही है मौसी इसको माइक्रोवेव के ऊपर रख दो, तो फिर मैंने कहा चलो यहीं रख देते हैं, क्योंकि ये बंद रखा था अलमारी में, यूज़ भी नहीं हो पाती थी चम्मच वगैरह। और ये सारी सब्जियां मैंने धो के रखी हैं जो लाए हैं, भिंडी, कुंदरू, तोरई, लौकी, यही सब लाई हूँ, तो सब धो के रख दी है। और ये खा रहे हैं बिस्किट, क्योंकि बिस्किट भी ले आई थी मैं 1-2 पैकेट। और अब मैं जा रही हूँ ये दाल निकालने, मुझे एक कमेंट आया था कि दी अब मिक्स दाल बनाया करो, ये दाल कभी कभी ना ये वाली नहीं बन पाती है, तो मुझे आइडिया आया कि मैं दाल तड़का बनाती हूँ ढावा स्टाइल वाला। तो यहाँ पहले मैंने मसूर की दाल ली है, थोड़ी सी मूंग की दाल ली, और इनको दालों को बीन के साफ कर लिया है, उसके बाद ली है अरहर की दाल, 2 अंजुरी, मतलब हम लोग कानपुरी भाषा में पता क्या बोलते हैं, ऐसे दो, हम लोग 2 मुट्ठी बोलते हैं ना, 2 हाथ में भर के लेते हैं उसको, बोल देते हैं 2 अंजुरी। तो यहाँ पर इन दालों को धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं। क्या बेटा? पानी में दाल है, देखो छू के देखो। हाँ छू के देख लिया, दाल है। और इन दालों को अच्छे से धोने के बाद में मैंने आधे घंटे के लिए इनको भिगो के रख दिया था, और उसके बाद अब रखेंगे इनको पकने के लिए। तो ये सारी दालें मैंने ले ली हैं साथ में, और उसके बाद लगभग डाल दिया इसमें 2.5 गिलास पानी, जो मेरा मीडियम साइज़ का गिलास है, छोटा भी देखा है आपने। और हल्दी डाली है, नमक डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है, थोड़ी सी काट के हरी मिर्च डाल दी है एक ऐसे, और थोड़ा सा तेल डाल दिया, और बस 3 सीटी लगा देंगे इसमें।
और दाल जब तक पकी तब तक मैंने ये सारी चीज़ें काट के रख ली है। इसमें लहसुन ज़्यादा डालते हैं क्योंकि दाल तड़का है तभी मज़ेदार बनेगा। इसमें दो तड़के लगेंगे तो लहसुन है, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और खूब सारा हरा धनिया सब रख लिया है काट के। और कढ़ाई में गरम कर लिया है तेल और इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, हींग और उसके बाद ये लहसुन जो ग्रेट करके रखा था वो आधा डाल दिया है। अदरक भी आधी डाली है, आधा बाद में डालेंगे। हरी मिर्च डाल दी है और इन सब की बहुत अच्छी जब खुशबू आने लगी तब इसमें प्याज डाल देंगे। और ये दाल भी बहुत अच्छे से पक गई है, इसको ऐसे ही पकाना है। उसके बाद में यहाँ पर ये प्याज भी हो गई है तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद में इनको भूनने के बाद डाल देंगे इसमें टमाटर और टमाटर को ढक के थोड़ी देर के लिए पका देंगे। लेकिन दाल बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत मज़ा आया था सबको खाने के बाद में। थोड़ा सा प्रोसेस है इसमें दो तड़के का, लेकिन मज़ा भी तो तभी आएगा ना। और टमाटर अच्छे से पक गए हैं तो मैंने इसमें दाल डाल दी है और थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि गाढ़ी दिख रही थी, थोड़ा सा थिक दिख रही थी। तो जैसा आप खाते हैं वैसा कर सकते हैं उसको उतना पतला। तो दाल में एक बॉईल आ जाए जब तक हम यहाँ पर रख दे रहे हैं चावल के लिए पानी। तो मैंने चावल के लिए एक भगोने में लगभग 6-7 गिलास पानी रख दिया है क्योंकि चावल को इसमें अच्छे से हमें उबालना है। और दाल में भी उबाल आ गई तो मैंने इसमें धनिया डाल दी है खूब सारी और इसको अब बंद कर देंगे, अब बाद में देखेंगे इसे। अभी दाल में बटर का तड़का लगाएंगे। तो पहले मैंने सोचा चावल रख देते हैं, तो चावल में मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, ये तेज़पत्ता, दालचीनी, 4-5 इलायची डाल दिए तोड़ के। और उसके बाद जब ये पानी बॉईल होगा तब इसमें चावल डालेंगे। और ये रखा है हमारा घर का मक्खन, तो इसको भी मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि अब दाल में जो फाइनल वाला तड़का है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर तेल लिया है थोड़ा सा, वो अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा के बाद में वो चीज़ें हींग डाल देंगे और जो हमारे अदरक लहसुन बचे हुए रखे थे वो डाल देंगे। इसमें आती है बहुत अच्छी खुशबू दाल में। और उसके बाद में थोड़ा सा इसमें क्या डालेंगे, लाल सूखी खड़ी हुई मिर्च डाल देंगे और इनको सबको अच्छे से भून लेंगे। अदरक भी डाल दिया है मैंने और उसके बाद में 1 चम्मच भर के मैंने इसमें बटर डाल दिया है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा तड़का तैयार हुआ है। और उसके बाद इस तड़के को डाल देंगे हम दाल में। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे ढाबा स्टाइल, मतलब ढाबे में बनाते हैं और वो बाल्टियों में भर के रख देते हैं छोटी छोटी बाल्टियों में ऐसी दाल, तो देखने में कितनी अच्छी लगती है, खाने में भी लगती है। तो मैंने वही कोशिश की है वैसी दाल बनाने के लिए। और ये चावल का पानी भी अच्छे से उबलने लगा है तो इसमें मैं जो भीगे हुए चावल रखे हैं उनको मैंने डाल दिया है। और बस इनको इसी तरीके से पकाना है। इनको थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखते हैं, ज़्यादा नहीं पकाते हैं, लेकिन मतलब उनको खड़े खड़े में ही निकाल देते हैं पानी से। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अयान को खड़े चावल पसंद नहीं है, इनको भी नहीं पसंद है, इनको थोड़ा सा अच्छे से पके हुए चावल पसंद है। तो थोड़ा सा मैंने इनको ज़्यादा पका दिया है, आप चाहें तो पहले ही निकाल सकते हैं और उनको बाद में पानी से चलनी में छान के और फिर मैंने क्या किया था, थाली में फैला दिया था। और उसके बाद कढ़ाई में इनको फ्राई कर दिया है जीरा डाल के और जो धनिया रखा था वो डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारा दाल तड़का, ये देखिए दाल तड़का, रोटी और जीरा राइस तैयार है। तो आ जाइए खाना खाते हैं, मज़ा आता है ऐसे खाने में, मतलब ये अच्छी लगती है दाल। तो आ जाइए हम लोग इन्जॉय करते हैं डिनर को। आयान से कुछ छुपेगा, आयान खुद ही देख लेगा। तो अभी हम लोगों ने एंजॉय किया है डिनर, दाल तड़का और जीरा राइस। किचन नहीं समेटी है, देखिए बस ही पड़ी हुई है सारी गंदी, तो वो मैं बाद में समेटूंगी। और उससे पहले हम कुछ दिखाने जा रहे हैं जो ये लेके आए हैं, क्योंकि आज ये लेट आए थे क्योंकि इन्हें कुछ लेने जाना था मार्केट, तो अभी नहीं दिखाया, कह रहे थे खा पी ले अच्छे से पेट भर के तब दिखाएंगे। मैं अयान के लिए रुका हुआ था क्योंकि अयान शुरू में निकाल देता हूँ, अयान देख लेते हैं जो एक्सप्रेशन होते हैं वो फिर देखने को नहीं मिलते हैं। अयान आपके बैग में क्या है, क्या है आपके लिए? आप बताओ क्या लेके, गैस करो, गैस करो, वो कह रहे गैस कैसे होता करके भी दिखा रहा है। तो गैस जी होता है, गैस जी होता है। इतनी बातें करोगे ना बच्चों से, मैं इससे जब भी बातें करता हूँ ना इस तरह से करता हूँ, किसी बड़े से बात कर रहा हूँ, अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो हर तरह की बात करता हूँ यानी, है ना। अभी आयान मायूस, इनको तो पता ही नहीं है
ये क्या है? स्लेट। इस पे आप लिखा करोगे पेंसिल से, ठीक है? अब ठीक है, अभी और ले आप खुशी नहीं हुई? अब खुशी नहीं हुई? अयन आर यू हैप्पी? ये सारी इसकी वर्क बुक्स हैं, है ना, जो उस पे ये कुछ अल्फाबेट्स वगैरह प्रैक्टिस करेगा, तेलुगु इंग्लिश एंड ऑफ कोर्स। थोड़ा पकड़ने नहीं दे, जब नहीं पकड़ के ये तो नया है ना, जो मैंने खड़िया, ये है खड़िया, ये सारे वो हैं पजल्स। बस कैसे प्लास खोल के नहीं देखा है? एनिमल पजल्स नहीं, नहीं वो मैडम ही खोलेंगे। आया ये क्या है? थैला। ये क्या है? लैपटॉप का बैग है ये? इसमें क्या खाली है लिख दिए? बैग ज्यादा अच्छा नहीं मिला क्या तुमको डेल का? फ्री वाली चीजें ऐसी मिलती है। ये देखो ये क्या है इसमें? इसमें देखो स्लोली, आप बताना सिर्फ, है ना? ये बताओ क्या है ये? लैपटॉप होता है ये? तो ये लैपटॉप है डेल कंपनी का, तो ये नोटबुक नहीं है। इनफैक्ट मैं सोचा था नोटबुक लेने का, लेकिन नोटबुक में बहुत ज्यादा ग्लॉसी डिस्प्ले आ रहा था, इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा था, और हमको क्या होता है कि मैक्सिमम फील्ड में भी काम करना पड़ता है, ब्राइटनेस ज्यादा है, या तुमको भी कभी छत पे ले जाना तो तुमको भी काम करना है, छत पे काम करना है या बाहर बैठ के काम करना है, तो बाहर क्या रिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, तो हाँ उसमें ग्लॉसी डिस्प्ले आ रहा था। ऑल्दो एंटी रिफ्लेक्टिव भी वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि हमको उस पर हमें कोई मूवी देखनी नहीं है, इस पर कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो ये सिंपल एक लैपटॉप है, ये कोई ना तो ये टैब की तरह काम करेगा ना ये नोटबुक की तरह काम करेगा, सिंपल एक लैपटॉप है ये, और बढ़िया है। 14 इंच का स्क्रीन है, काफी लाइट है, स्मूथ है, एंड मेन चीज जो है कि इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा स्वैंकी है, स्टाइलिश है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे ये सब्जियाँ लगा के रखनी थी। और उसके बाद मैं दोबारा बेडरूम में गई तो मैंने देखा इतनी सारी मोतियाँ पड़ी हुई थी बेड में, और समझ नहीं पा रही थी ये आई कहाँ से। बाद में पता चला जो लैपटॉप के साथ में आती है ना मॉइस्चर को हटाने के लिए, वो पैकेट अयान ने फाड़ दिया है। इस कमरे की पूरी फिर से सफाई करनी पड़ी है, वो छोटी छोटी मोतियां जो फैलाई थी इसने, और मैं पूरी बेड शीट झड़ाई है, सारी मोती झाड़ी है, पूरे कमरे में झाड़ू लगाई है, और बेड शीट उठा के धुलने डाल दी बाल्टी में, उसमें एक आध चिपकी होंगी फिर ये मुंह में डालेगा, ऐसे परेशान करता पूरा कमरा। मैंने यहाँ बेड के नीचे घुस घुस के सारी गोलियां निकाल निकाल के वो फेंकी है, पूरा एक बार पूरा कमरा फिर से साफ हुआ है। और रात में कोई चाय तो पीता नहीं है, और पीनी भी नहीं चाहिए, रात में नुकसान करती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चाय बनवा रहे हैं, नंदनी चाय बना रही है, क्योंकि लग रहा है अगर चाय नहीं पियेंगे तो ऐसा लग रहा है सर टूट के गिर जाए, ऐसा लग रहा है चाय नहीं पियूंगी तो सर ना टूट के गिर जाएगा, अब लगा भी नहीं रहेगा, दर्द भी नहीं होगा, टूट के ही गिर जाएगा जमीन में, इतना आंखों में दर्द हो रहा है। खराब निकला है क्या? मैं देख रही हूँ बहुत देर से कस्टमर केयर को, हमेशा यही डर रहता है कि मैं कोई भी चीज खरीदता हूँ ना तुम्हारे खराब भी, उसको भी मालूम है, अच्छे से बोलता भैया अपना कार्ड वर्ड दिखाना पड़ता है इस डर से कि भाई बेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ, मेरे को अच्छा दे रहा है यार, समझ रहे हो? तो पता नहीं क्या, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, मेरे को लगता है प्रमोती हूँ, पुनौती नहीं है, छाट बीन के पूरा देख के घंटों सर्च करके सोच समझ के सब करके लाए होंगे, लेकिन मैंने देखा है ऐसी चीजें इनके साथ में होती है, इनको पता नहीं लोग क्यों डिफॉल्ट पीस देते हैं, मैंने अक्सर चीजें में देखा। और उसके बाद जब मैं वीडियो एडिटिंग को बैठी तो मैंने देखा वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो मैं वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दाल कैसी लगी थी बताइएगा, और फिलहाल चाय बन रही है, तो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।